वर्तमान में हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके राज्य में महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हैं। और क्या बताएं, हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उससे कमाई बढ़ेगी, हम डिलीवरी करने लगेंगे, फिर से चार चक्का चले जाएंगे। अच्छा, आप कमाई बढ़ेगी आपकी, और क्या। योगी जी के राज में कितना विकास हुआ है अयोध्या में? देखिए, सबसे बड़ा चीज विकास का है तो जितना होना चाहिए उससे 25% एक्सेस हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों, अभी मैं हूं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। एक बार आप यहां पे दिखा दीजिए, यहां पे एक वीड़ा बना हुआ है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। यहां पे दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं, जो कि लता मंगेशकर, जो कि संगीत जगत की सरस्वती जी कही जाती थी, उनके याद में ये बनाया गया। एक बार दिखा दीजिए, हम ऑन द मेन रोड है। यहां पे अयोध्या लखनऊ 141 किलोमीटर, कानपुर 236 किलोमीटर, ऐसे ऐसे हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा, ये मुद्दा रहेगा कि जो अयोध्या के लोग हैं, क्या वो अयोध्या में जो सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं, योगी जी के राज में कितना विकास हुआ है अयोध्या में, और जो माफियाओं के एनकाउंटर हुए, क्या वो सही है या गलत है। हम पब्लिक का ओपिनियन लेंगे, लोगों से जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। आइए बातें करते हैं। भैया अयोध्या से हैं? हाँ भैया, अयोध्या से नहीं है, अयोध्या से नहीं है। कहाँ से आए? कुशीनगर से है। कुशीनगर से है। हाँ। अच्छी बात बताइए, आप अयोध्या में भी आए हैं तो घूमने के लिए आए होंगे। हाँ। अयोध्या में कितना विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इधर। जी जी। और यहाँ पर परीक्षा देने आए थे हम लोग। परीक्षा देने आए? हाँ, नर्सिंग स्टैंड के देने आए। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, योगी जी के राज में जो हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तो उनके राज्य में कितना विकास हुआ है, स्पेशली अयोध्या में? जो हुआ है सब मतलब बढ़िया हुआ है। सब बढ़िया हुआ है, संतुष्ट हैं? कहीं ना कहीं आपने भी वोट दिया होगा। देखिए, जो हमारा हिंदू धर्म है, सबसे बढ़िया इधर जो जैसे पहले दंगा होता था और इस समय जो बन गया है, राम मंदिर बन रहा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य बन रहा है। देख लीजिए, इतना भी विकास हो रहा है, 6 महीने पहले इस तरह नहीं हो रहा था, इससे पहले जैसे इस तरह नहीं था, अब बन रहा है, एकदम बढ़िया से बन रहा है। पूरी तरीके से संतुष्ट है योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में, पूरी तरीके से संतुष्ट है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित महसूस करती हैं उत्तर प्रदेश में? 100% भैया, देख लीजिए, अब सुरक्षित है महिलाएं। जो डायल 112 है उससे सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, करते हैं, जब आवश्यकता पड़ता है डायल करते हैं और पुलिस तत्पर आ जाती है तुरंत ही। चलिए, भैया लोग तो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, उनका योगी जी का कार्यकाल उन्हें बहुत पसंद आता है। भैया से हम पूछेंगे, यहीं के हैं भैया? जी जी। अयोध्या के हैं? जी, लोकल। अच्छा, अयोध्या के आप हैं, लोकल के आप हैं। योगी जी के राज में कितना विकास हुआ है अयोध्या में? विकास आप देख ही रहे हैं, अयोध्या देखिए ना। आप लोकल के, आप बताइए। विकास हो रही है यहाँ? विकास हो रहा है जी। आप खुश हैं योगी जी के राज? खुश हैं हम लोग। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है इस समय। सही है जी, आप बुलाइए, तुरंत कॉल कीजिए, तुरंत पुलिस आ जा रही, उपलब्ध हो जा रही है आपके पास, पुलिस आ जा तुरंत। आप सुरक्षित महसूस करते हैं? बहुत सुरक्षित है अपने आप में, योगी जी के राज में कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, अयोध्यावासी सब खुश हैं यहाँ पे। एक बात बताइए, आप युवा हैं और अभी अयोध्या में घूमने के लिए आए हैं? जी हाँ। कहाँ से हैं आप? हम लोग बस्ती से हैं। बस्ती से हैं जी, पास से ही हैं जी। एक बात बताइए, योगी वर्तमान में हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके राज्य में महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हैं, और क्या बताएं हम। आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं जी? अच्छा, अयोध्या में स्पेशली जो अयोध्या की बात करें तो कानून व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था सही है? बिल्कुल बहुत सही। अच्छा, सिस्टर आप क्या कहना चाहोगे, आप क्या सुरक्षित महसूस करते हो? जी। आप योगी जी के राज में खुश हो? जी। चलिए, हमारी जो बहनें हैं, स्पेशली अगर बहनों से बात होती है, अगर वो कहती हैं कि हम सुरक्षित हैं, तो हम मान लेते हैं कि भाई योगी जी के राज में अच्छा काम हुआ है। अयोध्या के निवासी जितने भी हैं लोकल के, सब खुश हैं योगी जी? सब खुश हैं यहाँ। आने वाले चुनाव में योगी जी को ही आप सपोर्ट करेंगे? पूरी अयोध्या भाई, देखिए पूरी अयोध्या योगी जी को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे दिखा दीजिए, जो हम पब्लिक है वो बोल रही है कि हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट। अच्छा, एक बात बताइए, जो अतीक अहमद मारा गया, जो भी माफियाओं के एनकाउंटर हो रहे, क्या वो सही है या गलत है? अगर वो गलत थे तो उनके साथ गलत हो रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ गलत होगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि अगर आप गलत हैं तो आपके साथ गलत होगा और अगर सही हैं तो सही होगा, यानी कहीं ना कहीं भैया ने ये सपोर्ट किया। और भैया अयोध्या के हैं आप? जी हाँ भैया। अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी का राज है, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी हैं, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अयोध्या में? योगी जी ठीक है भैया, काम अच्छा कर रहे हैं, जो भी अयोध्या में कर रहे हैं सभी काम अच्छा कर रहे हैं। संतुष्ट उनके काम से? संतुष्ट। अच्छा, एक बात बताइए, जो माफियाओं को मारा जा रहा है, जो इनकाउंटर किया जा रहा है, क्या वो सही है या गलत है? सही है। सही है जी, आप मानते हैं कि सही है? सही है, गलत काम करने वाले हमेशा मारा जाएंगे, कोई भी आदमी हो। जी हाँ भैया, आपका कहना है कि सही है? सही है। बात बताइए, अयोध्या में महिलाएं कितने प्रतिशत सुरक्षित हैं? अगर हम आपको कहें कि 10 में से कितने नंबर देंगे सुरक्षित, सुरक्षा के मामले में? सुरक्षा के मामले में 90%। 90% यानी कहें 10 में से 9 नंबर दे देंगे? हाँ सही है सब। चलिए भाई, अब लोकल लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऑटो वाले टोटो वाले लोग हैं ये असली बताएंगे कि कितना विकास हुआ है अयोध्या में। भाई साहब, नाम क्या आपका? मोहम्मद निजाम। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी के राज में अयोध्या में कितना विकास हुआ है?
अयोध्या तो बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। जैसे मैं सड़कें चौड़ी हो रही हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं और क्या। अच्छा, और जहाँ मनमान गरीब कितना लगता था अब नहीं लगेगा। अच्छा, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उससे कमाई बढ़ेगी, हम डिलीवरी करने लगेंगे, फिर से चार चक्का चले जाएंगे। अच्छा, आप कमाई बढ़ेगी आपकी और क्या, यानी आप बहुत खुश हैं। खुश हैं। बात बताइए, कानून व्यवस्था में आप क्या कहेंगे? योगी जी के राज में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है? कानून व्यवस्था तो पस्त है। पस्त है, यानी कानून व्यवस्था से आप खुश नहीं है? नहीं। अच्छा चाचा, आप कहाँ से हैं? हम अयोध्या से हैं। अयोध्या से हैं। आपका शुभ नाम? विकास गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, बात बताइए, योगी जी के राज में कितना विकास हुआ है अयोध्या में? देखिए, सबसे बड़ा चीज विकास का है तो जितना होना चाहिए उससे 25% एक्सेस हो रहा है। एक्सेस हो रहा है? हाँ भाई, देखिए काका का कहना कि जितना विकास अयोध्या में होना चाहिए उससे 25% एक्सेस होना चाहिए। जी काका, हो रहा है एक्सेस, हो रहा है। हाँ, और हर आदमी सेटिस्फाइड है। आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं? भाई, टूरिस्ट बढ़ेंगे, जाम नहीं लगेगा, हर चीज़ का जो इनकम बढ़ेगा, इसलिए हर आदमी इनसे सेटिस्फाइड है। अच्छा, एक बात बताइए, जो माफियाओं के इनकाउंटर किए जा रहे हैं आपके नज़रिए से, वो क्या सही है या गलत है? देखिए, वो नज़रिया, प्रोसेस उनका क्या है, कानून उनका क्या है, भाई गलत को गलत कर रहे हैं, सही को राह दिखा रहे हैं। यानी आपके हिसाब से ये सही है? इट इज़ एक्चुअली सेटिस्फाइड। भाई देखिए, काका इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि अयोध्या के लोग बहुत ही चालाक और बहुत ही अच्छे दिल के आदमी, हम और लोगों से बात करेंगे। अच्छा आंटी जी, आप यहीं की हैं? मैं यहाँ की नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अयोध्या में घूमने के लिए आई हैं? हाँ। अच्छी बात बताइए, अयोध्या में कितना महिलाएं सुरक्षित है? बहुत सारी महिलाएं सुरक्षित है। सुरक्षित है? हाँ। अच्छा, योगी जी के राज में कितना विकास है आपको? अयोध्या में कितना विकास देखने को मिल हुआ है? बहुत ज़्यादा। हाँ, आप सुरक्षित हैं? हाँ हाँ। चलिए भाई ठीक है, जब महिलाएं कहती हैं, हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि हम यूपी में सुरक्षित हैं, यानी कि योगी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है, और गरीब भाई लोग, हमारे ऑटो भाई वाले लोग जब ये कहते हैं कि वो सेटिस्फाइड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का साथ आ रहा है।